हेलो दोस्तों, बॉसा फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है, इन्फोसिस के बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए। ओके, आज का दिन था जो रिजल्ट पेश करने का। जैसे कि कल हमने देख रहे थे, विप्रो के रिजल्ट आए थे, काफ़ी अच्छे थे। इससे पहले TCS के रिजल्ट आए थे, तो आज आए हैं इन्फोसिस के। और इन्फोसिस के रिजल्ट जो आए हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। ओके, मैं आपको सारा का सारा उसे आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा आपके लिए। जो ये रिजल्ट है, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, कंसोलिडेट रिजल्ट है ये। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेट ऑडिट रिजल्ट ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। ओके, तो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है सेप्टेम्बर के, ये लास्ट क्वार्टर है जून के रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है 2019 के। तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो आप देख लीजिएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस टाइम कितने हैं, और ये जो बात हो रही है रुपीज़ इन करोड़ की बात हो रही है, तो लगभग 24,570 करोड़ रुपीज़ के इनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है। ओके, जो इनका रिवेन्यू हुआ है वो ऑपरेशन से वो 24,570 आया है। और लास्ट ईयर कितना था, 23,665। और लास्ट उससे जो लास्ट ये लास्ट क्वार्टर था 23,665, और लास्ट ईयर 22,629, मतलब 22,629 करोड़ रुपीज़ का लास्ट ईयर था। लास्ट क्वार्टर 23,665, और इस क्वार्टर 24,570। तो आप देख रहे होंगे, ओके, क्वार्टर वाइज भी यहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, एज वेल एज आप यहाँ पर ईयर वाइज भी देखेंगे तो ईयर वाइज भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर जंप दिखाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एज वेल एज हम अदर इनकम की बात करेंगे, तो लगभग 570 करोड़ रुपीज़ के अदर इनकम है। ओके, लास्ट क्वार्टर 475 था, और लास्ट ईयर 626 था, जो कि क्वार्टर वाइज एंड ईयरली वाइज ओके काफ़ी अच्छा है। ओके, ईयरली वाइज यहाँ पर अदर इनकम को वैसे तो हम काउंट करते नहीं, क्योंकि ऑपरेशन से रिवेन्यू होता है वो मायने रखता है। ओके, तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो 25,140 करोड़ रुपीज़। ओके, एंड एज लास्ट क्वार्टर में 24,140 था, और एज वेल एज लास्ट ईयर की बात करें सेप्टेम्बर की, तो 23,255 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर टोटल इनकम था इनका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वार्टरली और ईयरली, ओके, दोनों ही यहाँ पर आपको जंप दिखाई गई है, काफ़ी अच्छी इनकी इनकम हुई है, दोनों में बढ़ोतरी आपको दिखाई दी गई है। अब देख लेते हैं इनका एक बार टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितना हुआ था वो भी हम कौन देख लेते हैं। तो एक्सपेंस यहाँ पर देख लिए, टोटल एक्सपेंस तो जो कि इस बार हुआ है 18,390। ओके, और लास्ट क्वार्टर था 18,348, और इससे पहले था 17,759। तो एक्सपेंस के मामले में यहाँ पर आपको जरूर जंप दिखाई गई है। ओके, एक्सपेंस इनके जो बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है एक्सपेंस बढ़ना। जितना एक्सपेंस कम होगा उतना प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव क्वार्टरली, ओके, एज वेल एज ईयरली, ओके, दोनों में ही यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई गई है। लास्ट क्वार्टर के लगभग इक्वली है, बट लास्ट ईयर से ज़्यादा इनकी एक्सपेंसेस दिखाई गई। एज वेल एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है जो टैक्स देने से पहले, तो लगभग 6,750, मतलब 6,750 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स। एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे हम बात करते हैं, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 5,792, और उससे पहले ईयरली बेसिस पे बात करें तो 5,496, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आ रहा है। बट टोटल एक्सपेंस, टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ओके, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आपके सामने है, लगभग इस बार कंपनी को 4,858 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट आपको, करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे बात करें, तो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था, जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, पैट था जिसे कहते हैं, 4,272 करोड़ रुपीज़ का था, और इससे पहले लास्ट ईयरली 4,037 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका नज़र आ रहा है। यहाँ पर न्यूज़ वगैरह में आ रही थी कि इनका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा, बट इनका रिजल्ट
काफ़ी बेहतर आया है। और ये कंपनी ऐसी है जो TCS के बाद डिजर्व करती है, सेकंड नंबर पे IT कंपनी में आती है। और मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये TCS को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं लगाएगी। तो इन्फोसिस बहुत बेहतरीन कंपनी है। अब एक पैरामीटर और देख लेते हैं, ओके, EPS देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। लास्ट ईयर 9.46 का था, क्वार्टरली बेस पे फिर इंक्रीज हुआ 9.98। और इसके बाद जब अब की बार जो इनका EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो 11.42। तो EPS से हमें पता चल जाता है कि कितना बेहतरीन ग्रोथ ये कंपनी दे रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कितना बेहतरीन है। 9.46, फिर 9.98, ओके, और इस बार लगभग 11.42 का इनका EPS है, अर्निंग पर शेयर है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो इनके जो रिजल्ट आए हैं आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा रिजल्ट में जो अब क्या लगा, 48.58 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको मिला है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड दिया गया है कि नहीं, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने आपको डिविडेंड, इन्फोसिस ने आपको 12 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इंट्रीम फाइनल डिविडेंड नहीं है अभी, और मेरे ख्याल से कंपनी दे सकती है इंट्रीम डिविडेंड। अभी डिक्लेयर किया है कितने रुपए का, 12 रुपए पर इक्विटी शेयर। एज वेल एज कब लास्ट डेट है, तो 26 तारीख, ओके, 26 ऑफ दिस मंथ, मतलब 26 अक्टूबर 2020 को 26 तारीख आप शेयर लेते हैं तो आपको ये 12 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। एज वेल एज आपके अकाउंट में डिविडेंड ये कब आ जाएगा, 11 नवंबर 2020 को आपके अकाउंट में ये डिविडेंड आ जाएगा। तो काफ़ी, अगर आप डिविडेंड के पर्पज़ से आप यहाँ पर शेयर लेने वाले हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ 26 तारीख लास्ट डेट है और 11 नवंबर को आपके उसमें आ जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ डिविडेंड बोनस ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ओके, साइड डिश होती है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो के अगर आप ये डिविडेंड वगैरह को छोड़ के अगर ये शेयर लेते हैं, तो आपको काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट आगे के टाइम पे हो सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके आज के रिजल्ट की भी। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगभग आज गिरावट 1.71% के सारे IT शेयर्स में गिरावट देखी गई है, इसमें भी देखी गई है। बट ये कल की डेट में आपको अलग ही दिशा में भागते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर और देख लेते हैं नेट प्रॉफिट जंप कितना हुआ, 21% का नेट प्रॉफिट जंप यहाँ पर देखा गया है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं। और आज का और डिविडेंड के मामले में तो कंपनी अच्छी है ही, ओके, 2020 में 29 में कौन 9.5 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया था। और हर साल 3 बार 4 बार डिविडेंड देती है, 3 बार, इस बार भी दूसरी बार ये डिविडेंड दे रहे हैं 12 रुपये का, और एक डिविडेंड आपको शायद नेक्स्ट क्वार्टर में आगे देखने को मिल जाए। और इनकी बैलेंस शीट की बात कर ले, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इन्फोसिस के ऊपर बना रखी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 60,105 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स हैं, डेट फ्री कंपनी है। एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर ले, तो 13,562 करोड़ रुपीज़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और 4,006 करोड़ रुपीज़ के इनके पास करंट इन्वेस्टमेंट है। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितनी सारी, 10 से 12 15 16 कंपनीज आई थिंक ये एक्वायर कर चुकी है, एक्विजिशन कर चुकी है, और बैक टू बैक अच्छी अच्छी ITs कंपनी, ओटेड, ओके, डेटा से रिलेटेड कंपनी को एक्वायर करते जा रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज बताना चाहता हूँ इन्फोसिस के बारे में। ये आने वाला TCS है, आगने वाले TCS कोई पीछे छोड़ सकता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करके, ओके, इनसे पूछ के आप इसमें कभी भी एंटर ले सकते हैं, ओके। ये वो कंपनी है, 10,000 10,000, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10,000 रुपये को किस तरीके से इसने 2 करोड़ रुपये और 6 करोड़ 11 करोड़ रुपये में शायद चेंज कर दिया था। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।